प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कोटा में प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी, साथ ही कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों की भी सराहना की। कानून के आ जाने के बाद एपीएमसी जो नया कानून आ रहा है, अब वो प्रत्येक खरीद का जो काम होगा वो मैं समझता हूं कि डायरेक्ट एमएसपी की तर्ज पे ये खरीदे जाएंगे। और ये जो समस्या वर्तमान में सेंटर कम है या सेंटर बढ़ा है या तोड़ने में या कहीं पे जो शिकायतें प्राप्त हो रही, उनके बारे में सरकार के भी ध्यान में हम लोगों ने लाए हैं, उनको भी हमने किया है। लेकिन ये जो एक्ट आया है, अब इसके बाद मैं समझता हूं कि कोई भी एमएसपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी 1.5% 1.5 गुना से ज्यादा अभी जो खरीफ की फसलें हैं उन पे प्रधानमंत्री जी ने उसमें वृद्धि की है एमएसपी।